हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में। इस चैप्टर से आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। वो 5 मार्क्स आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो कितने हो गए टोटल 2 मार्क्स, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, तो यानी कि टोटल हो गए 5 मार्क्स के। टोटल इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और इसमें से जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 1 क्वेश्चन आपका जो रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा। यानी कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल हो गए आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आने। सर्वांग क्षमता कभी भी एक फिगर में यानी कि एक आकृति में नहीं लगता है। सर्वांग क्षमता हमको बतानी होती, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए तभी हम उसमें सर्वांग क्षमता बताएंगे। यानी कि हमारे पास 2 आकृतियाँ होंगी, 2 ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे, तभी हम बता सकते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग क्षम होंगी या नहीं होंगी। यानी कि सीधा सिंपल से बात आपको ये याद रखना है, सर्वांग क्षमता में अगर हमको बताना है तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होने जरूरी हैं, और वो दोनों ऑब्जेक्ट को हम देख के हम ये बताएंगे वो सर्वांग क्षमता होगी या नहीं होगी। तो हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स होने चाहिए, यानी कि 2 ट्रायंगल होने चाहिए या 2 सर्कल होने चाहिए या 2 क्वाड्रिलेटर होने चाहिए। यदि आपको सर्वांग क्षमता का सीधा सा मतलब समझना है तो आप ये समझ लीजिए, ये ऐसी 2 आकृतियाँ जिनके आकार सेम हो और जिनका माप सेम हो, तो वो होते हैं सर्वांग क्षम आकृतियाँ। आई होप कि आपको सर्वांग क्षम आकृतियाँ क्या होती हैं ये समझ में आ गई होंगी। हम बात कर लेते हैं सर्वांग क्षम आकृतियों के टाइप के बारे में। हैं टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी टोटल 5 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है उसको कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। जो सेकंड टाइप का होता है उसको बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और जो थर्ड टाइप का होता है वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और जो फोर्थ टाइप का होता है वो होता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और फिफ्थ टाइप का होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये 5 टाइप का होता है कॉन्ग्रुएंसी। यदि हिंदी में बात करें तो भुजा 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 सर्वांग क्षमता, सेकंड की बात करें तो भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, थर्ड की बात करें तो कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता, फोर्थ की बात करें कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता की बात करें तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया ये 5 कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होती है। हम बात कर लेते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी यानी कि भुजा 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 सर्वांग क्षमता क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि किसी भी एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हो जाएं तो उसे कहते हैं हम भुजा 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 सर्वांग क्षमता। यानी कि जो पहला त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज की सारे भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सारे भुजाएं के बराबर हो जाएं तो उसे कहते हैं हम SSS कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि SSS सर्वांग क्षमता, यानी कि भुजा 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 सर्वांग क्षमता कहते हैं। अगर आपको बोला गया है कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो हम ये कह देंगे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग क्षम होंगे। तो ये सर्वांग क्षमता कौन सी सर्वांग क्षमता के थ्रू ये दोनों त्रिभुज सर्वांग क्षम हुए हैं, तो आप ये कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज SSS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये दोनों त्रिभुज सर्वांग क्षम हो गए हैं। यानी कि भुजा 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 के सर्वांग क्षम का द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग क्षम है। अगर हम एक त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज में टोटल 6 डायमेंशंस होती हैं, यानी कि 6 विमाएं होती हैं। वो 6 विमाएं कौन कौन सी होती हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होती हैं, यानी कि 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। टोटल मिला के 6 डायमेंशंस हो जाते हैं हमारे पास, यानी कि 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो कुल मिला कितने हो गए, 6 डायमेंशंस हमारे पास होते हैं। इस 6 डायमेंशन में से कम आपको 3 डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए जिनके करस्पोंडिंग साइड्स या करस्पोंडिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग क्षम होंगे। आपको इस टोटल 6 डायमेंशन में से कम 3 डायमेंशन आपको बराबर बतानी पड़ती हैं, संगत बराबर बताना पड़ता है। यानी कि अगर आपको 3 साइडें दे रखी हैं तो पहले त्रिभुज में 3 साइडें अगर बराबर हैं, अलग अलग माप के हैं, अगर ये साइड आपको 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, और ये 11 है तो ये 11 होना चाहिए, तभी आपकी सर्वांग क्षमता प्रूफ होगी। ऐसा नहीं है कि अगर ये सारी त्रिभुज की ये सारी भुजाएं बराबर हैं, इसके बाद में आप 5-5 सेंटीमीटर की और ये 6-6 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों सर्वांग क्षम त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी साइडें होंगी 6 सेंटीमीटर की और यहाँ पे इसकी साइडें होंगे 5 सेंटीमीटर की। मैंने बोला कि जब इनके संगत साइड आपस में बराबर होंगे और संगत कोण आपस में बराबर होंगे तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग क्षम कहलाएंगे। ठीक है, अगर दोनों संगत कोण और संगत साइड बराबर नहीं होंगे तो हम ये कह देंगे कि भैया ये सर्वांग क्षम त्रिभुज नहीं है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। कि मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ए बी बराबर दे रखा है पी क्यू, और बी सी बराबर दे रखा है क्यू आर, और आपको दे रखा है ए सी बराबर क्या दे रखा है पी आर दे रखा है।
तो ये हमें कह देंगे यदि किसी भी त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज पीक्यूआर में अगर एबी पीक्यू के बराबर हो और बीसी क्यूआर के बराबर है और एसी पीआर के बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये वाली देखो यहाँ पे भी साइड है और यहाँ पे भी साइड है और यहाँ पे भी साइड है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसमता का कारण क्या होगा, सर्वांगसमता का कारण ये होगा भैया ये तीनों साइडें बराबर थी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा, और एंगल क्यू बराबर एंगल एंगल क्यू बराबर एंगल बी हो जाएगा, और एंगल आर बराबर आप ये लिख सकते हो एंगल सी, यानी कि करस्पोंडिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे और करस्पोंडिंग जो साइडें छुट्टी रहेगी वो भी बराबर हो जाएंगे अगर आप दूसरा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हो। इसी प्रकार से आपको ये सारी कॉन्ग्रुएंसी बतानी होती है, किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम बता देते हैं तो उसके करस्पोंडिंग एंगल और करस्पोंडिंग साइड हम बराबर लिख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमने दो त्रिभुज को सर्वांगसम बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता।